पंजाब कांग्रेस के प्रधान कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों शुरू की गई किसान यात्रा अज हलका गिदड़बाह पहुंची जिथे पिंड भलाईयाना के नजदीक हलका विधायक और यूथ कांग्रेस के कौमी प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की अगवाई में पुजे हजार कांग्रसी वर्करा ने इस यात्रा का शानदार स्वागत किया। जिवें ही कैप्टन अमरिंदर सिंह बस विचों बाहर निकले सारा माहौल कांग्रसमई हो गया और सारा आसमान कैप्टन अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जिंदाबाद के नारियां नाल गूंज उठा। शानदार स्वागत देख के पंजाब कांग्रेस प्रधान भी गदगद हो गए। कांग्रसी वर्करा ने कैप्टन अमरिंदर सिंह ते फुल्लां दी वर्खा करके उन्हां दा स्वागत कीता। इस मौके पत्रकारां नाल गल करदे होए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि सारे पंजाब विच किसानां दा बुरा हाल है अते 20-20 दिनां तों किसानां नूं मंडी विच रोलना पै रिहा है। उन्हां कहा कि FCI तों इलावा सरकार दी कोई भी एजेंसी सही काम नहीं कर रही। इस तरह लग रहा है आप अपने आप आके से देख लो, सारा दा इलाका इधर पहुंचा है क्योंकि इनकी फसल नहीं उठा रहे। आज ये 16 से कम हो गए, 13 दिन से बैठे हैं किसान, 13 दिन हो गए इनको, ये मॉइस्चर तकरीबन 16 से कम है और नहीं उठा रही। ये पंजाब एजेंसी नहीं उठा रही, FCI कुछ उठा रही है लेकिन बाकी पंजाब एजेंसी कुछ नहीं उठा रही। कहीं यही है, माजा में भी यही है, अब मालवा में आया हूँ, फिर मैं दुआबा में जाऊंगा, ये सब कहीं यही हो रहा है। लापरवाही लगती है कैप्टन आपको? लापरवाही नहीं, बदमाशी। यहाँ क्या हो रहा है कि ये इनको दे रहे हैं, अगर 1510 देना है, कहीं 1100, कहीं 1200, कहीं 1300, और जो फर्क है वो देते हैं सरकार को 1510, लेकिन वो दोनों अकाली और जो परचेसर है वो बंटवारा कर लेते हैं उस पैसे। हालात खराब है, पूरा एरिया घूम रहे हैं सब कहीं। योर मार्क फेड, योर पंजाब एग्रो, जो भी पंजाब की एजेंसी है और अकाली मिले हुए हैं वही कर रहे हैं। FCI का कुछ ठीक आ रहा है। गिदड़बाहा तो सोनी टल्ला खबर हर पल।